पर यहाँ कोई नहीं आया। गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम टू माई अनदर व्लॉग। और आज मैं काफ़ी दिनों बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ और आज ओकेजन है कि हम लोग एक बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं मेरी मौसी की बेटी की। और मैंने सोचा चलो कुछ थोड़ा बहुत तो होगा दिखाने को, तो मैं व्लॉग कर लेती हूँ। वैसे तो जनरली ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बट मैंने इससे पहले भी एक व्लॉग शुरू किया था, वो शायद इसके बाद जाए और होपफुली इसके बाद ही जाएगा, क्योंकि उसका कुछ वीडियो में प्रॉब्लम हो गई थी। अगर रिकवर हो पाएगा तो जाएगा, वरना शायद वो भी ना जाए। तो ये आप बहुत दिनों बाद मेरा देखोगे व्लॉग। तो अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं, फ्रेश वगैरह हो चुके हैं, नहा धो लिया है, बाल भी धुल लिए हैं, अब बस रेडी होंगे और निकलेंगे। अभी कोई घर पे रेडी नहीं हुआ है, निकलेंगे और यहीं, हाँ दूर है काफ़ी, पास नहीं है, तो बस हम लोग वहाँ पहुँचेंगे या रास्ते में मैं आपको मिलती हूँ और बताती हूँ, और याद रेडी होके बताती हूँ, देखते हैं क्या कर पाते हैं। तो सी यू देन। यहाँ पे मैंने अपना मेकअप करना स्टार्ट कर दिया था और सोचा था कि मैं पूरा लुक शूट करूँगी, आई मीन कुछ थोड़ा बहुत दिखाऊँगी, बट ये कैमरा एंगल मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा। तो जो भी क्लिप्स मैंने ली भी थी थोड़ी बहुत, वो आगे मैंने हटा दी क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लाइट वगैरह कुछ सही नहीं लग रही थी, और वैसे भी मेरे रॉन्ग साइड लाइट लगी, उल्टे साइड आई मीन ड्रेसिंग के, तो वो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने ये आगे की थोड़ी बहुत इंक्लूड की है, उसके बाद आगे की जो भी क्लिप थी मैंने वो हटा दी। गाइस हम लोग अब निकल चुके हैं, रास्ते में हैं और बस अभी जस्ट निकले हैं, तो अभी पहुंचने में टाइम लगेगा, आधे पौन घंटे लग जाएंगे क्योंकि बारिश भी हो रही है और बारिश में जाम भी हो जाता है। तो मास्क मैं मास्क रखना भी आज भूल गई, हमको मास्क पहनना अच्छा नहीं लगता, किसी को नहीं लगता है लेकिन पहनना पड़ता है क्योंकि कोरोना वायरस है। चलो मैं आपको फिर वहाँ पहुँच के मिलती हूँ। चलो नहीं आई हुआ जाएगा, अभी हम लोग अपनी दीदी के यहाँ रुके हैं, दीदी के यहाँ मतलब दीदी के घर पे नहीं, दीदी के घर के बाहर, क्योंकि उनके घर के पास थोड़ा सा पानी भरा हुआ है तो हम लोग ने वहाँ तक नहीं जा गए, बस उनकी रोड के बाहर थोड़ा सा खड़े हैं, उनको पिक करने के लिए आए थे। तो कम से कम 40 मिनट तक वेट कर रहे हैं, अभी तक ये आएंगे, तो बस हम लोग वेट कर रहे हैं, वो लोग आए या उनके बच्चे आए, कोई आए तो बस हम लोग लेके उन लोग को चले। और बारिश काफ़ी हुई थी यहाँ और अभी भी थोड़ी थोड़ी हो रही है, बादल वगैरह हैं, बट देखो क्या होता है। तो बस हम लोग आते हैं, वो लोग फिर यहाँ से निकलते हैं, फिर वेन्यू पर पहुँचते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि बर्थडे का भी कौन है। थोड़ा चेंज हो गया ना, पहले ऐसा नहीं था। रील्स अगर डिलीट करनी होती है ना, रील्स है? रील्स अगर डिलीट करनी है। चिनिया सुनी नहीं पा रही, चिनी रील डिलीट करनी कैसे करती है, क्यों क्या होगा परी, हो गया।
गए हैं बट यहाँ कोई नहीं आया है। हम लोग की हो गई है टाइम फिश भी आ गई तैरने के लिए। हम लोग फर्स्ट गेस्ट बर्थडे गर्ल नहीं है, पहले हम लोग आ गए। बर्थडे गर्ल नहीं आएगी क्योंकि मेरी दीदी ने कहा था 6:30 पे आने के लिए, अब उनकी क्लास लगेगी। पता नहीं इतनी देर क्यों लगता, तैयार होएंगे शायद वो फंस गए होंगे जाम में। और इतने इंतज़ार के बाद यह आ गई हमारी बर्थडे गर्ल। और मेरी दीदी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी जो कि सब लोग बहुत लेट थे, पार्टी बहुत लेट स्टार्ट हुई। और कोई नहीं, कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो मैंने उनको एक्सक्यूज़ माफ़ कर दिया क्योंकि बहुत वेट करना पड़ा था। मैं टाइम से पहुँच गई थी बट वो लोग कोई नहीं आ पाए। ये है मेरी भाभी की बेटी जो कि बहुत अच्छा डांस करती है, और इसलिए मैंने थोड़ी सी इसकी क्लिपिंग ले ली। और बस हम लड़कियों का काम जो कि सबसे फेवरेट होता है पोज देना, तो बस हम सब पोज दे रहे हैं, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा रहे हैं। और क्योंकि लेट पार्टी शुरू हुई थी तो सब कुछ हम लोग को करना था, इन्जॉय करना था बेसिकली, तो बस हम लोग ने फटाफट से पोज देना, केक कटिंग, स्टार्टर्स और सब गेम वगैरह सब स्टार्ट करती है। तो आप आने वाले ब्लॉग में ये सब देखोगे, होपफुली इन्जॉय भी करोगे। कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, कैसा लग रहा है ये जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, जिससे मैं आगे भी कुछ छोटे छोटे मोमेंट्स आपके साथ शेयर करता हूँ जो मेरी लाइफ के हैं, जो मेरी फैमिली के हैं।
और यहाँ पे ये बच्चों का गेम चल रहा है म्यूज़िक के बाद, मतलब म्यूज़िक जब रुकती है तो बच्चों को रुकना है, स्टैचू बनना है बेसिकली। तो कुछ दीदी ने गेम प्लान किए थे बच्चों के लिए, तो बस वही सब चल रहे थे। बच्चे इसमें बहुत एंजॉय कर रहे थे। एक ये था, एक म्यूज़िकल चेयर था और एक पासिंग टू पास था। तो आप आगे देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। अब हम लोग आ गए हैं वापस, मतलब घर के लिए निकल गए हैं, वापस नहीं आए अभी, गाड़ी में ही है। तो बस अब मैं इस ब्लॉग का एंड करूँगी, मे भी शायद बहुत लंबा हो गया हो। तो बस आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ थोड़ा बहुत एंटरटेनिंग लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब टू माई ब्लॉग चैनल। और इफ़ इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन मेकअप एंड ऑल, तो मेन चैनल मंजरी श्रीवास्तव, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अंधेरा आ रहा होगा, तो सी यू देन, बाय बाय।